इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में हाई स्कूल के अपडेट की बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज बुधवार 9 मार्च सुबह आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, यहां यूओडब्ल्यू ने स्कूल शिक्षा विभाग के एक सहायक शिक्षक धर्मेंद्र चौहान ठिकाने पर छापेमार की है और शुरुआती तलाशी में ही करोड़ों की चल अचल संपत्ति मिली है। फिलहाल जांच जारी है और शाम तक बड़ा खुलासा होने की उम्मीदें हैं। इस पर दो केस दर्ज होने की भी जानकारी सामने आई है। आज बुधवार सुबह ईओडब्ल्यू ने शासकीय महाराजवाड़ा स्कूल के लिपिक धर्मेंद्र चौहान के अवंतीपुरा स्थित घर पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर छापामार कार्रवाई की है। शुरुआती जांच में टीम ने लिपिक के घर से करोड़ों की जमीन के दस्तावेज, दो मकान, दो गोदाम, दो चार पहिया वाहन, दो ट्रैक्टर तथा नकदी व जेवरात मिले हैं। वहीं 34,000 रुपए कैश भी मिले हैं। इसमें महालक्ष्मी कॉलोनी में आलिशान मकान और बड़ा नगर स्थित ग्राम थरेड़ी में करोड़ों की जमीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, स्कॉर्पियो व शिफ्ट कार यूको बैंक में लॉकर की जानकारी भी सामने आई है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।